हेलो गाइस, वेलकम टू डिजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी एक्सपो डे 3 के बारे में। तो आज है 26 तारीख, सोमवार का दिन यानी कि मंडे का दिन है, और आज हमें क्या देखने को मिला डिज्नी एक्सपो उसे डे 3 में क्या क्या अपडेट आए, तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट आया हमारे पास वो था एवेंजर का कैंपस पार्क। जी हाँ, तो इस एवेंजर कैंपस पार्क के हमें ऑफिशियली कौन सा पार्ट देखने को मिले, जिसमें कि हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर दिखाया जाएगा उस पार्क में, जो कि कैलिफोर्निया में बन रहा है, भी उसके ऊपर काम चल रहा है। उसी के साथ स्पाइडरमैन का छोटा सा थीम पार्क भी होगा उसी के अंदर, और एवेंजर का हेडक्वार्टर होगा, एजेंट द शील्ड का हेडक्वार्टर होगा, मार्वल स्टूडियो का हेडक्वार्टर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी जो कि एक्चुअल में मूवी में हमें देखने को मिली। उसी के साथ जैसा कि आपने एवेंजर टावर देखा होगा, उसके अंदर का नज़ारा कैसा होगा वो भी हमें इस थीम पार्क में देखने को मिलेगा। तो ये कैलिफोर्निया में बन रहा है, जिसके कौन से पार्ट लॉन्च हो चुके हैं, अगर आपको ये देखना है तो आप हमें ऑफिशियली टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हो, आपको वहाँ पे ये HD में मिल जाएंगे। उसी के साथ वकांडा का एक सीन भी दिखाया गया है, जिसमें कि वो आउटराइडर्स की उड़ने वाले फ्लाइंग से लड़ रहे हैं, और एक की फ्रेम लॉन्च हुआ जो कि है कैप्टन अमेरिका का, जिसमें कि वो थॉर का थोड़ा उठाते हुए हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, जिसको जान के आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। एवेंजर एंड गेम में एक ऐसा सीन था जिसमें कि एंटमैन के हाथ में हल्क था, और हल्क के हाथ में स्पाइडरमैन था, जो कि उसे थ्रो कर रहा था यानी कि फेंक रहा था, शायद उसके हाथ में इन्फिनिटी गॉटलैंड होगा, और ये वही सीन है जो कि थोड़ा चेंजेस करके हमें मूवी में दिखाया गया। तो ये डिलीट मार दिया अब पता नहीं क्यों, पर होता तो मज़ा आ जाता। उसी के साथ ब्लैक विडो का ऑफिशियली सूट रिवील्ड कर दिया गया, जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेगा, और ये सूट बिल्कुल मिलता जुलता सेट फुटेज से है, जो कि अभी मैंने आप पिछली वीडियो बनाया था, वो आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में मिल जाएगी। उसी के साथ ब्लैक विडो का व्हाइट सूट लॉन्च कर दिया गया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर 2 दिन पहले ही बता दिया था, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कमाल का लग रहा है। ब्लैक विडो का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च कर दिया गया, जिसमें कि रेड गार्डियन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें रिवील्ड हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जोर से लगता है, जो कि उनका सूट बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसा है। देन उसी के साथ फैल्कन द विंटर सोल्जर का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च करा गया, जिसमें कि फैल्कन का ऑफिशियली सूट भी रिवील्ड कर दिया गया है। अब ये पोस्टर ऑफिशियली कब लॉन्च होंगे अभी ये कन्फर्म कमीशन नहीं हुआ है। वांडा विजन का ऑफिशियली लॉन्च करा गया, जिसमें कि शेडो में वांडा का हेलमेट भी दिखाई दे रहा है, और विजन का माइंड स्टोन भी दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों है ये तो आगे पता चलेगा। डिज्नी ने अपनी ऑफिशियली टाइमलाइन रिलीज कर दी है, तो उस टाइमलाइन को अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखें पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।